द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। हमारे सागर पधार रहे हैं और इससे भी खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब पहले आए थे तो उन्होंने संत रविदास जी के मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपया की मंदिर का उन्होंने भूमि पूजन किया था और आज संत रविदास प्रांगण में ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोबारा सभा हो रही है। और इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण बहुत ही तेजी से चल रहा है, जो वो स्वयं भी देखेंगे और हम सबके लिए हर्ष का विषय भी है। इस कार्यक्रम के लिए हमने सभी लोगों ने, हमारे सह प्रभारी शैलन जी ने, हमारे प्रदीप जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, सभी ने करीब 20 से अधिक समितियां बनाई हैं। ये सब समिति अपना अपना काम संभाल चुकी है, बहुत तेजी से काम लगा है। हमारी प्रत्याशी श्रीमती डॉक्टर लता बानखेड़े जी के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन हो रहा है उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है, सभी हम जितने मंच पर बैठे हैं सभी हमारे मित्रों की, कि कम से कम 40 से 50 हजार की जनसंख्या कार्यकर्ता सभी विधानसभाओं के आए, जो आदरणीय मोदी जी को सुने। लोग सुनना भी चाहते हैं, मोदी जी को देखना भी चाहते हैं, इसलिए तो हम लोगों ने करीब 30 से 40 हजार कुर्सियां भी डलवाई हैं, बाकी लोगों के लिए अन्य व्यवस्था की है, रास्ते रास्ते में ठंडे पानी की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था भी किया है, लोग खुद करेंगे स्वयं करेंगे। और ट्रैफिक जाम ना हो इस हेतु पूरी व्यवस्था की गई है, कहीं से कहीं ट्रैफिक जाम ना हो, किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी ना हो, इस बात का हम लोगों ने ध्यान रखा है। पत्रकारों का विशेष ध्यान रखा है क्योंकि ढाणा में पत्रकार लोग हमारे मित्र का कुछ लोग बहुत देर से पहुंच पाए थे, इस बार हमने कोशिश की है, प्रशासन से कहा है कि पत्रकारों के लिए VIP गेट से एंट्री दी जाए ताकि हमारे पत्रकार मित्र पहले जाकर स्थान ग्रहण कर लें। और सबसे भी निवेदन है कि सब लोग पहले पहुंच जाना, आपके अंदर अच्छी व्यवस्था रहेगी, आपको कहीं भी दूर दूर तक कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आज हम लोगों के लिए खुशी की बात है, खास करके सागर वासियों के लिए, कि सागर वासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरा देश विश्वगुरु बन रहा है, तो हमारा सागर भी एक जमाने में बड़ा कस्बा कहा जाता था, संभाग लेवल पर रहते हुए हम लोगों को नीचे देखना पड़ता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लगातार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री और हमारे खास करके प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी हम लोगों को दी, जिससे पूरा सागर आप स्वयं देख रहे हैं, सड़कें हो सब कुछ यहाँ दिख रहा है, जो आपके सामने स्टेडियम हो। 50 हजार करोड़ रुपया, मैं समझता हूं देश में पहली बार 50 हजार करोड़ रुपया हमको बीना में मिला। इससे कई छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनेगी, उद्योग खुलेंगे और करीब 3 लाख लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।